भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा ने माफिया को गले से लगाकर प्रदेश को अराजकता, गुंडागर्दी और दंगों की आग में झोंकने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि 2006 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले उमेश पटेल और रमेश यादव भी थे। क्या वो ओबीसी समाज से नहीं थे? 2006 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ मरने वाले लोग कौन थे? जो लोग थे उनमें एक रमेश पटेल थे। क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे? क्या इनके साथ एक रमेश यादव भी थे? क्या वे ओबीसी समाज से नहीं थे? क्या राजूपाल की हत्या प्रयागराज में जिस माफिया ने की थी, क्या ये राजूपाल ओबीसी समाज से नहीं थे? क्या उमेश पाल, क्या ये ओबीसी समाज से नहीं थे? क्या फिर इन माफियाओं को गले से लगाने वाले लोग कौन थे? और समाजवादी पार्टी के लोग इन माफियाओं को गले से लगा करके प्रदेश में अराजकता और गुंडागिरी और दंगों की आग में प्रदेश के को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे?